बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और हम चैप्टर 1.66 में ये पढ़ चुके हैं। अगर इनपुट सिग्नल x1t है और उसके आउटपुट y1t है, सिमिलरली एक और सिग्नल x2t है जिसके आउटपुट y2t है, तो लीनियरिटी की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है सुपरपोजिशन और एक है स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी के ज़रिए सम ऑफ द टू, इन दोनों को जो सम है उससे जो आउटपुट है प्रोड्यूस होगी वो y1 प्लस y2t, यानी समेशन ऑफ द इनपुट विल प्रोड्यूस समेशन ऑफ द आउटपुट। तो ये सुपरपोजिशन टेक्निक है। इसके अलावा जो स्केलिंग टेक्निक या होमोजेनिटी टेक्निक है उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है कोई भी कांस्टेंट। तो अगर इनपुट को हम एक कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट भी उसी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई होगी। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि अब ये फोरियर सीरीज के केस में किस तरह से एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर xt और yt पीरियोडिक सिग्नल्स हैं जिनके टाइम पीरियड t है, और xt की फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ak है और yt फोरियर सीरीज का कोएफिशिएंट bk हो, तो इन दोनों को सम करके और उनको मल्टीप्लाई भी करके, सो a को हमने xt को a से मल्टीप्लाई किया और yt को b से मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड कर दिया, यानी यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी भी है और सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी दोनों को शामिल कर दिया है। तो यही प्रोसीजर आउटपुट में भी होगा, यानी आउटपुट के जो कोफिशेंट्स थे पहले को ए कैपिटल ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा, दूसरे को कैपिटल बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उनके समेशन। तो इसकी जो फोरियर सीरीज कोफिशेंट्स है वो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, और ये बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसी तरह टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इसमें भी ये है कि अगर आप xt हमारा सिग्नल है और उसके फोरियर सीरीज कोफिशेंट ak है, तो अगर हम xt को टाइम शिफ्ट करें बाय अमाउंट t0, तो आउटपुट में ak के साथ एक टर्म और आ जाएगा जो कि e-jk ओमेगा नॉट t0। t0 ये जो टाइम शिफ्ट है ये उसके बराबर है, और इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना चाहें तो ओमेगा नॉट की जगह पे के पाई ओवर टी लिख लेंगे, तो ये भी इसका आंसर बनता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी कहा जा रहा है, और उसमें भी यही कंडीशन है कि अगर xt सिग्नल है और उसके जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ak है, तो अगर xt को आप टाइम रिवर्स कर दें यानी नेगेटिव साइड पर ले जाएँ, यानी टी नेगेटिव हो जाए, तो yt के जो कोफिशियंट है आउटपुट कोफिशियंट जो है वो भी नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, यानी ak विल बिकम a-k। तो ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है, यानी अगर ये सिग्नल है आपके पास xt जिसके टाइम पीरियड t है और इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, तो अगर हम इसको टी को स्केल करेंगे यानी ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे या हम ए से डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई बताया जा रहा है, तो अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओमेगा जो है वो भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ओमेगा ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ओमेगा ए से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि टाइम पीरियड आपका जो है वो ए से डिवाइड हो जाएगा। और ये कैसे डिवाइड होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ओमेगा जो है वो 2πt है और दोनों साइड पे हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a ओमेगा नॉट इस a 2π/t, और ये a इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं t ओवर a, इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो अब आप देखें कि 2π डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज द टाइम पीरियड, तो यहाँ पे 2π डिवाइडेड बाई टी ओवर ए आ रहा है, तो टी ओवर ए इसका टाइम पीरियड है। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में। यहाँ पे भी वही कंडीशन की अगर xt की फोरियर कोफिशेंट ak है और yt के फोरियर कोफिशेंट bk है,
तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक और नया फूरियर कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा, जो कि एक्चुअली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उनके समेशन है। अब यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो एल है, ए की वैल्यू, और बी के माइनस एल है। तो ये तो के जो है ये हार्मोनिक्स है और एल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। अब हम आ जाते हैं कंजुगेट प्रॉपर्टी पे। कंजुगेट प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर वही कंडीशन कि अगर एक्स टी सिग्नल के जो कोफिशेंट है वो ए के है, तो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे यानी एक्स कंजुगेट टी, तो जो कोफिशेंट है उसके भी कंजुगेट आ जाएगा और उसके साथ एक टाइम रिवर्सल भी होगा यानी ये माइनस साइड पे चला गया। तो टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी हैज़ द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन, जो कि ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन है, एंड टाइम रिवर्सल, जो कि यहाँ पे है टाइम रिवर्सल। और इसमें कुछ और क्लैरिफिकेशन हैं कि अगर एक्स टी रियल हो तो फिर एक्स टी और जो कंजुगेट है वो बराबर हो जाता है, और द फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट उस केस में भी जो टाइम रिवर्स्ड कोएफिशिएंट है वो कंजुगेट के बराबर होगा। एक्स टी अगर रियल है तो ए ज़ीरो रियल होगा और ए के मॉड जो है वो ए माइनस के मॉड के बराबर होगा। एक्स टी रियल और अगर इवन हो तो फिर ए के बराबर हो जाएगा ए माइनस के। एक्स टी रियल और ऑड हो तो फिर जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट है वो दैट विल बिकम प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड। और फाइनली हम आते हैं पर्सेवल्स रिलेशन पे। पर्सेवल के रिलेशन में ये है कि आप ये लेफ्ट साइड पे अगर मॉड ऑफ द सिग्नल स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो वो समेशन ऑफ द कोफिशिएंट स्क्वायर के बराबर होगा। और इसके कुछ एक्सप्लेनेशन ये है कि ये ए के स्क्वायर एक्चुअली क्या है, ए के स्क्वायर इज द एवरेज पावर इन द केथ हार्मोनिक्स। तो ये केथ हार्मोनिक्स की है और यहाँ पे हम तमाम हार्मोनिक्स की समेशन ले रहे हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि जो लेफ्ट साइड पे है ये एवरेज पावर ऑफ वन पीरियड ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल है। ये आपको फैमिलियर होना चाहिए कि पावर ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल हम एक पीरियड के लिए इस तरह से लिखते हैं। और ये क्या हो गया कि सम ऑफ द एवरेज पावर्स ऑफ ऑल द हार्मोनिक। तो ये हमने कहा जी केथ हार्मोनिक्स के लिए, तो इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 ऑल हार्मोनिक्स के लिए अलग अलग हमें एक ए मिलेगा और ये उन सब की समेशन है। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं कि ए के जो हम आप कह रहे हैं कि एवरेज पावर ऑफ के हार्मोनिक्स है वो कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रल ऑफ ये जो है ए के की वैल्यू है यहाँ पे, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ये टर्म जो है मॉड इसका वन हो जाता है, तो दिस विल बी 1/t इंटीग्रल ए के स्क्वायर, और फिर 1/t ए के स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं तो सिर्फ इंटीग्रल ऑफ टी रह जाता है dt। इंटीग्रल ऑफ dt जो है वो टी के बराबर हो जाएगा अगर आप वैल्यू पुट करेंगे इसको, और फिर ये टी कैंसिल होके तो ये जो है वैल्यू रह जाएगा। सो दिस इज दी एवरेज पावर, ये एवरेज पावर का इक्वेशन था वहाँ से लेके चलते, तो इसलिए ए के स्क्वायर जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एवरेज पावर ऑफ द केथ हार्मोनिक्स। सो व्हाट पर्सेवल्स रिलेशन स्टेट इज दैट द टोटल एवरेज पावर इन ए पीरियोडिक सिग्नल, टोटल एवरेज पावर इन ए पीरियोडिक सिग्नल इक्वल द सम ऑफ द एवरेज पावर्स ऑफ ऑल इट्स हार्मोनिक्स। तो जितने भी हार्मोनिक्स हैं उन सब के एवरेज पावर को लेके अगर हम सम करेंगे तो जो सिग्नल है उसके पावर के बराबर हो जाएगा। और ये जो चंद प्रॉपर्टीज हमने पढ़े लेकिन इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो इन सबको एक टेबल पे समराइज किया गया है
जैसे हमने ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, इसी तरह हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम इस टेबल में मौजूद है। और इसका फ़ायदा ये है कि हम इस टेबल को देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए। तो एक और भी है इसी के टेबल कंटिन्यूएशन में, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं उस टेबल में लिस्टेड हैं। तो आइए हम एक सवाल करते हैं कि जो सिग्नल जी टी गिवन है, ये वी हैव टू डिटरमिन द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी टी, यानी इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने मालूम करना है। इस सिग्नल का टाइम पीरियड जो है वो 4 के बराबर है, आप यहाँ से देख सकते हैं टी इज इक्वल टू 4। और इसके हम चाहते तो हम ए के कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है उसके ज़रिए से इसको हम मालूम कर सकते थे, लेकिन हम इस फॉर्मूले को नहीं इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये कह रहा है कि सिग्नल जी टी को हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एग्जांपल 3.5 में एक सिग्नल पढ़ा था हमने एक्स टी, तो उस एक्स टी की शिफ्ट है और माइनस हाफ। अब ये कैसे है ये हम देखते हैं। ये सिग्नल था हमारा जो एक्स टी वहाँ पे हमने पढ़ा था, और यहाँ पे मैंने रीड्रॉ कर लिया इसको, तो ये एक्स टी सिग्नल है। अब इसको कह रहा है इसको हमने शिफ्ट करना है बाई 1, सो वी हैव टू मूव इट राइट। तो ये हमने राइट को मूव कर दिया इसको, तो अब ये सिग्नल हो गया एक्स टी माइनस 1। उसके बाद इसमें से माइनस हाफ सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम ये एक डीसी सिग्नल ले लेते हैं माइनस हाफ के, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें ये टर्म आ जाएगा, यानी ये सिग्नल। अब इसके माइनस हाफ ऐड करने का मतलब ये हुआ कि डीसी लेवल 0 से ये शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा, यानी ये नीचे वाला पॉइंट माइनस हाफ पे आ जाएगा और ये हमारा डीसी लेवल यहाँ पे ऊपर चला गया। सो दिस इज़ द डीसी लेवल। अब हमारा सिग्नल जो है वो माइनस हाफ, ये माइनस होगा, माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक है, और आप इसको और इसको कंपेयर करें तो ये एक ही सिग्नल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जी टी सिग्नल, ये सिग्नल एक्स टी शिफ्टेड बाई माइनस 1 और देन सब्ट्रैक्टेड बाई माइनस हाफ डी सी। अब हम इस पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो एक्स टी माइनस 1 के लिए अब हम ये लिखेंगे जो बी के है, दैट इज़ ए के ई रेस टू द पावर माइनस जे के पाई बाई 2। ये हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है। और जब यहाँ पे के इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो हमें ए 0 टर्म भी आ जाएगा। सो फॉर के इज इक्वल टू 0 इज बी के जो है वो ए 0 के बराबर आ जाएगा, ए 0 ये टर्म 1 हो गया। तो ये हमें बी के मिल गए इस सिग्नल्स के, यानी एक्स टी सिग्नल जो हमने पहले पढ़ा था उसका है ये। अब हम आ जाते हैं कि जो डीसी कोएफिशिएंट है उसका क्या मतलब हुआ। तो डी सी कोएफिशिएंट माइनस हाफ, अब आप अगर आप फोरियर सीरीज स्पेक्ट्रम को आपने गौर से देखा होगा तो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे यानी डीसी पे जो वैल्यू है वो ए ज़ीरो कहलाता है, और बाकी जो फॉर ओमेगा 1, 2, 3, 4, 5 ये प्योरली साइनोसॉइडल सिग्नल्स के जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो एक और टर्म हम यानी माइनस हाफ को जब हम लेते हैं तो उसके कोफिशियंट्स को अगर हम सी के लिखें तो सी के वैल्यू जो है वो है हाफ, कहाँ पे है फॉर के इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हाफ दिया हुआ है यहाँ पे,
तो ये के इजिकल टू जीरो पे हाफ है, जैसे यहाँ पे डी सी वैल्यू है, लेकिन डी सी वैल्यू इन टर्म्स में नहीं है, तो इसलिए डी सी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगा फॉर ऑल अदर के, ऑल अदर हारमोनिक्स के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे ये सिग्नल है ट्रायंगुलर वेव सिग्नल, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये 4 है यहाँ पे, और ओमेगा नॉट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो पाई बाई 2 हो जाएगा ओमेगा नॉट। अब इसकी अगर हम डेरिवेशन लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो हमें ये सिग्नल मिल जाएगा विच इज़ जी टी। हमने ओरिजिनल सिग्नल जो है इसके कोएफिशिएंट्स मालूम कर, तो अब ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था है और ये उसके डिफरेंशिएशन फॉर्म है। तो अगर हम फोरियर कोफिशिएंट जो ओरिजिनल सिग्नल है इसको हम अगर कहें ई के, और जो डिफरेंशियल सिग्नल जी टी है उसके फोरियर कोफिशिएंट को अगर हम कहें डी के, तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स टी, इसको हम जे के ओमेगा नॉट ए के से ज़ाहिर कर सकते हैं, और इसको अगर आप चाहें तो 2 पाई टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो अब देखते हैं कि हम यहाँ पे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सिग्नल है इसको जो इसकी डिफरेंशियल ये है, यानी इसकी डिफरेंशियल ये है, तो इसकी प्रॉपर्टी अगर फोरियर कोएफिशिएंट इस तरह से है, तो हम इस कोएफिशिएंट डी के को भी हम इस तरह लिख सकते हैं जे के 2 पाई टी ओवर ई के, ना ए के की जगह पे आप ई के लिख देंगे क्योंकि ई के इसके कोएफिशिएंट है। और इसको इन टर्म्स ऑफ टी को अगर 4 से रिप्लेस कर दें तो फाइनली ये फॉर्म आ जाता है, ये जी टी के जो है कोएफिशिएंट वो आ गया। अब यहाँ से आप चाहें तो ई के आप मालूम कर सकते हैं कि इस टर्म को आप साइड पे लेके आ जाएं, तो ई के हो जाएगा 2 डी के ओवर जे के पाई। और इससे पहले एग्जांपल में हमने ये मालूम किया था रिजल्ट कि डी के जो फाइनल वैल्यू है वो ये है साइन पाई के बाई 2 ओवर के पाई ई रेस टू द पावर माइनस जे के पाई बाई 2 फॉर के नॉट इज इक्वल टू 0 और इट इज़ 0 फॉर के इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे, क्योंकि ये सिग्नल हमारा डिफरेंशियल सिग्नल है, ये वही सिग्नल है जो इससे पिछले वाले एग्जांपल में था, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं डी के किस, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया, तो ये जो टर्म आ गया ये फॉर के नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब अगर हम यहाँ पे के इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो ये इनफाइनाइट टर्म बन जाएगा, तो इसको हम एक और तरीके से इसको निकालना है, और वो है by finding the area under the curve E0, जबकि k 0 है, can be determined by finding area of one period of xt and dividing by the length of the period। तो ये एरिया निकालने का ये तरीका है कि आप ये एरिया आ गया यहाँ पे और उसको 1/t से आप कर देते हैं, यानी एवरेज एरिया आप एक्चुअली निकाल लेते हैं, एवरेज पावर एवरेज एरिया। तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि ई नॉट इज 1/t इंटू एरिया अंडर 1 पीरियड। अब ये 1 पीरियड तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और चूँकि ये सिमेट्रिक है दोनों तरफ, तो हम बजाय के पूरे के एरिया निकालें हम सिर्फ हाफ के एरिया निकाल लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे वही कह रहे हैं कि 1/t इंटू 2 टाइम्स एरिया ऑफ द राइट हैंड ट्राइंगल। और राइट हैंड ट्राइंगल आप देखें बेस 2 है और हाइट 1 है, तो 2 टाइम्स